बिलासपुर की ओर अब रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस चला रही है यहाँ चेतना अभियान, पुलिस चला रही है यहाँ चेतना अभियान। तो चेतना अभियान के तहत साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने की पहल की गई है। चौक चौराहों पर साइबर पाठशाला चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो एक नया तरीके का जो क्राइम अभी इन दिनों हमें देखने को मिल रहा है, उसको लेकर अब जागरूक करने की जरूरत महसूस भी की जा रही थी, और पुलिस ने इस समय इस तरीके के चेतना अभियान के जरिए साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने का अभियान शुरू कर दिया है। खास तौर पर पैसों की ठगी साइबर क्राइम के अंतर्गत काफी होती है। जो भोले भाले लोग होते हैं, जो टेक्निकल रूप से चीजों को नहीं समझते और वो गलती कर बैठते हैं, तो उन्हें जागरूक करने के लिए ये अभियान चला रही है बिलासपुर पुलिस। एक जनहित में चलाया गया अहम अभियान। इस पूरे मामले में हमारे साथ सुधीर सुमन बने हुए हैं, हमारे बिलासपुर संवाददाता, उनसे ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। सुधीर, बताइए क्या ये अभियान है, किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है पुलिस के द्वारा? बिल्कुल मोहन, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अपराध है वो लगातार अपराध की श्रेणियां बढ़ती जा रही है। लोग जो है अपराधी जो है तरह तरह के अपराध को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में देख रहे हैं कि बिलासपुर पुलिस एक विशेष अभियान चला रही है, चेतना अभियान। इस चेतना अभियान के तहत जो साइबर ठग है उनकी जो जानकारी है वो लोगों को पाठशाला के माध्यम से बता रही है। मतलब कि ये कहा जा सकता है कि लोगों में अवेयरनेस का ये काम जो है वो बिलासपुर पुलिस कर रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से देखा जा रहा है कि बिलासपुर पुलिस की टीम और जो साइबर सेल की जो टीम है वो लगातार स्कूल पहुंच रहे हैं, कॉलेजों में पहुंच रहे हैं, और कहीं ना कहीं चौक चौराहे पर जाके जो आम जनता है उन्हें कहीं ना कहीं जो साइबर ठग है उनके बारे में जानकारियां बता रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि ये जो साइबर ठग है उन पर कंट्रोल पाने से पहले जो जनता है वो अगर जागरूक हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये जो साइबर उस पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। इसको देखते हुए लगातार बिल्कुल, तो आप नजर बना के रखिए, क्योंकि ये एक ऐसा अभियान है जिसके पूरे होने के अभी फिलहाल फौरी तौर पर कोई संभावना नहीं दिखती। इसे लगातार और सतत चलाने की जरूरत है। अभियान जरूर कुछ समय के लिए नियत होता है, लेकिन इस तरीके के अभियान को हमेशा अगर चलाया जाएगा तभी सफलता संभव है। तो साइबर क्राइम के जो मास्टर हैं वो सचेत हो जाएं, क्योंकि बिलासपुर पुलिस ने अब चला दिया है अभियान, चेतना अभियान के जरिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। जी,